बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन है। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर बड़ी बैठक होगी। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और विनोद तावड़े भी मौजूद रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बातें होंगी। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सभी राजनीतिक पार्टियां जो है जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है। और इसी दौरान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन है। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे, साथ ही कई नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और विनोद तावड़े भी बैठक में मौजूद रहेंगे, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन होगा, चर्चा होगी। और साथ ही जो बड़े नेता हैं उन्हें भी आगे क्या करना है, क्या कुछ विधानसभा चुनाव में तैयारियां होंगी उसको लेकर टिप्स भी दिए जाएंगे। और इसी को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बातें होंगी। और इस बैठक में गिरिराज सिंह के आवास पर कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे, इसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई। और इसी दौरान अगर हम एनडीए घटक की बात करें तो देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक को लेकर क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल नैना, देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सरकारी आवास पर एक बैठक होने वाली है। बीजेपी बिहार की बैठक है। देखिए कहा जा सकता है कि ये काफ़ी अहम बैठक है क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक बुलाई गई है। तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, चाहे वो बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री हों, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े हों, या फिर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हों। देखिए ये तमाम नेता जो हैं वो गिरिराज सिंह के आज मिलने वाले हैं और एक बड़ी बैठक होगी। ये बैठक सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव के संदर्भ में होगी क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और महज 10 से 11 महीना है। अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो दो ऐसे राज्य होते हैं आमतौर पर नैना जिसके विधानसभा चुनाव के काफ़ी अहम महत्व होते हैं, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है। लेकिन देखिए अगर बिहार की बात की जाए तो 243 सीटों का ये पूरा विधानसभा होता है जिसके चुनाव जो है वो नवंबर में होने हैं। लेकिन उससे पहले किस तरीके से बूथ स्तर पर जेडीयू की माफ करें जो एनडीए गठबंधन है उसकी मजबूती हो, बीजेपी किस तरीके से अपनी चीज़ों को ठीक करे, इसको लेकर एक मैराथन बैठक है। क्योंकि ये तस्वीरें लोकसभा चुनाव से भी नजर आई कि कई सीटें जो हैं वो बीजेपी को हारनी पड़ी, करीब 4 सीटें जो है मुंह की खानी पड़ गई बीजेपी को, तो परेशानी जरूर हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक बार बैठक बुला ली गई है। अब ये बैठक जो है गिरिराज सिंह के आवास पर बुलाई गई है, वहाँ पर तमाम चीज़ों पर बात होगी, किस तरीके से जो उम्मीदवार होंगे, किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन होगा या फिर किन लोगों को टिकट देना चाहिए, तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। और बड़ी बैठक इसलिए भी है क्योंकि तमाम बड़े नेता बिहार के मौजूद रहेंगे। और ऐसे में उत्कर्ष, दिल्ली में यह मंथन है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई है, ऐसे में और कौन कौन से मंत्री इस बड़ी बैठक में शामिल होंगे और किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगा और क्या कुछ टिप्स दिए जाएंगे? बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे उन्हें। बिल्कुल, देखिए बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, चाहे वो बिहार के दोनों डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हों, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष हों, खुद गिरिराज सिंह रहेंगे, इसके अलावा जो बिहार प्रभारी हैं विनोद तावड़े वो रहेंगे। ये भी माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यानी कि नित्यानंद राय भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और साफ तौर पर विधानसभा चुनाव में किस तरीके की उम्मीदवारी होगी, किस तरीके की कह सकते हैं कैंडिडेट को चुना जाएगा और किस तरीके से बूथ स्तर की मजबूती जो है वो प्रदान की जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातें होंगी। क्योंकि उपचुनाव के जो परिणाम है वो भी कल आने वाले हैं 4 सीटों को लेकर, तो कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी ज़रूर है और इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल करनी है इसको लेकर एक मैराथन बैठक होगी। हाँ उत्कर्ष, लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि लोकसभा चुनाव के भी नतीजे आए थे उससे भी काफी कुछ सीखने को मिला है, और क्या लगता है कि इन सब तमाम चीजों को लेकर इस बार फिर से बड़ी बैठक बुलाई गई है, इसमें चर्चा होगा और जो गलतियां लोकसभा चुनाव में दोहराई, जो गलतियां देखी गई थी लोकसभा चुनाव में, वो गलतियां विधानसभा चुनाव में ना दोहराई जाए इसको भी लेकर मंथन होगा? और
बिल्कुल देखिए, जो तस्वीरें विधानसभा चुनाव यानी कि आम चुनाव से आई थी, करीब 4 सीटों पर जो उम्मीदवारी थी वो बीजेपी की खराब हो गई, यानी कि जो पाटलिपुत्र सीट की बात की जाए वो हार गए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई ऐसी सीटें रहीं जहां पर बीजेपी को शिकस्त देखनी पड़ी, चाहे वो बक्सर की सीट हो, केंद्रीय राज्य मंत्री थे अश्विनी चौबे, उनका टिकट काटा गया था, तो ऐसे कई नेताओं का टिकट काटा गया था जिसकी वजह से ये परेशानी का सबक देखना पड़ा। तो कह सकते हैं कि इस बार उम्मीदवारों का चयन किस तरीके से किया जाए और कई मुद्दों पर जो है वो बातें होंगी, और ये दोपहर को ये बैठक शुरू होगी जब गिरिराज सिंह के आवास पर ये बैठक होनी है, दोपहर से शाम तक ये बैठक होगी। और तमाम लोग देर शाम इस बात भी सामने आ रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं, हालांकि इसकी अब तक औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद एक मुलाकात जेपी नड्डा से भी हो सकती है। हाँ, लेकिन आपने जैसे जिक्र किया कि जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है और जेपी नड्डा से भी कई मंत्री मुलाकात करेंगे, ऐसे में जेपी नड्डा क्या कुछ टिप्स देंगे और क्या कुछ बैठक में वो कार्यकर्ताओं के साथ और नेताओं के साथ मीटिंग में बातचीत करेंगे? बिल्कुल आना, देखिए जेपी नड्डा से फिलहाल मुलाकात की कोई औपचारिक घोषणा जो है वो नहीं की गई है, लेकिन ये बता दिया गया है कि ये बैठक होगी, ये का मुख्य संदर्भ जो होगा वो विधानसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव में किस तरीके की तैयारियां होंगी, विधानसभा चुनाव में जो चयन किया जाता है आमतौर पर वो किस तरीके का होगा, किस तरीके के सीट बंटवारे होंगे, इन तमाम चीजों पर मुख्य तौर पर बात होगी। हाँ, बातचीत होगी। ठीक है उत्कर्ष, बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और ऐसे में आज अहम बैठक बुलाई गई और बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगा और विधानसभा चुनाव को लेकर खासकर इस पर फोकस रहेगा। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।